साथियों, हम लोग प्लान के मुताबिक अभी झांसी पहुंच चुके हैं और झांसी में स्थित जो रानी लक्ष्मीबाई का किला है वहां हम लोग आज घूमेंगे। तो घूमने के दौरान जो भी आपको दिखाने लायक चीज़ें होंगी तो उससे हम रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आपको अगर इसमें एंट्री लेना है तो अगर आप इंडियन हैं तो आपको 25 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, एंड अगर आप फॉरनर हैं तो आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और इसमें आप दिन में कभी भी जा सकते हैं, जो उदय होता है जब से लेकर शाम को सूर्य अस्त तक, मतलब सातों दिन एंट्री है, तो आप कभी भी जाइए, किसी भी मौसम में जाइए, आप बाकायदे इसमें आप विजिट कर सकते हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं ये पार्किंग एरिया है और यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और चलो देखते हैं एक अंदर की झलक और आप बने रहिए वीडियो में, और वीडियो के माध्यम से आपको सारी ऐतिहासिक घटनाएं एवं वस्तुओं से रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। तो अंदर एंट्री करने से पहले हमारा एक सजेशन है आपको कि यहाँ पे जो दिया गया एक मानचित्र है आप इसका अच्छे से अध्ययन करिए, एंड अध्ययन करने के बाद आप अंदर जाइए। इसमें दार्शनिक स्थल के नाम भी दिए गए हैं, तो इन दार्शनिक स्थलों के अध्ययन करके आप अंदर जाइए तो आपको बहुत आसानी होगी, कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी मैंने कितना स्थान घूम लिया है और कितना स्थान अभी हमारा बाकी है। तो जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री मारेंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी कड़क बिजली तोप पर, जो पहले के ज़माने में बहुत विशाल तोप हुआ करती थी, जो कि युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो अब आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरा गेट नज़र आ रहा है आपको, तो चलो इसके पास चल के देखते हैं इसमें क्या क्या खासियत है। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पंचमहल, गौसखां की कब्र और अमोघ बाग। तो पंचमहल की खूबियाँ पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज करें और इसको पूरा पढ़ें, तो देखते रहिए वीडियो। लहरा रहा है तिरंगा झंडा ना, तो ये किला के सबसे ऊपरी भाग पे लगाया गया है, तो आप देखिए इस भाग को ना। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम यहाँ से पूरे शहर पे नज़र डालेंगे तो पूरा शहर नज़र आता है। तो हम भी आपको एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि हमारा झांसी शहर कैसे दिखाई देता है। तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि सामने स्थित पार्क भी बने हुए हैं, यहाँ पे एक वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से ही पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है झांसी का। तो आप कभी आइए तो इन पार्कों में ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। अब साथियों, हम लोग पहुंच गए हैं ऐसे स्थान पे जहां पे हर कोई जाना चाहता है, बिकॉज इस स्थान का इतिहास में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। बिकॉज जब ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने रानी लक्ष्मीबाई को चारों ओर से घेर लिया था, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए यहीं इसी रास्ते से वो अपने बादल नाम के घोड़े से अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के को पीठ पे बांध के यहीं से छलांग लगा दी थी। ऐसा माना जाता है कि इस दीवार की जो हाइट थी वो 100 फीट के आसपास थी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा फांसीघर एंड शंकरगढ़। फांसीघर का मानना ये है कि जब महाराजा गंगाधर राव थे तो उस टाइम पे जो भी अपराधी हुआ करते थे तो उन्हें इसी फांसीघर में फांसी दी जाती थी। तो जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ आ गई थी तो इसके बाद ये फांसी देना बंद कर दिया गया था।
अब आगे बढ़ेंगे तो एक शंकरगढ़ मिलेगा आपको। शंकरगढ़ का नाम शंकरगढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे शंकर भगवान का टेम्पल है, तो इसलिए इस स्थान का नाम ही शंकरगढ़ कहने लगे। तो ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पे रानी लक्ष्मीबाई नियमित स्नान ध्यान करने के बाद यहाँ भगवान शिव की आराधना करने आती थी। तो चलो चलते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं। आपको ये सामने शिवलिंग दिखाई दे रहा है, तो ये तभी का ही शिवलिंग है जब रानी लक्ष्मीबाई थी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे एक रखी हुई तस्वीर पे नज़र डालिए जो कि ब्लैक एंड वाइट में है, ये वही तस्वीर है, ये जो लक्ष्मीबाई जी थी उन्हीं की रियल तस्वीर है। तो आप वीडियो तस्वीर के माध्यम से देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई कैसी दिखती थी। और इस शिव टेंपल के सामने ही एक हनुमान जी का मंदिर भी है, तो आप यहाँ हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। अब साथियों हम लोग आ गए हैं अमोघ बाग, जो कि आज की डेट में यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो चलता है रात को का मतलब शाम को एक घंटे का ये शो है, और लगभग यहाँ इसका टिकट 250 रुपये है। तो आप भी यहाँ आके इसका आप आनंद ले सकते हैं। तो ये प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ की जो वीर गाथाओं की कहानियाँ हैं तो उसको ये दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर इस शो को देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।